राम राम जी सारे ने, मैं पूजा शर्मा, स्वागत आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे और होप करूंगी आपने वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वीडियो बिल्कुल ऑन डिमांड है। बहुत दिनों तक कमेंट आने लग रहे थे और मैं मतलब ट्राई करूंगी कि इस वीडियो में आपके हर एक डाउट क्लियर कर दूं। मतलब बहुत सारे कमेंट आने लग रहे थे कि कैसे वीडियो बनाए, कैसे बनाए, क्या वीडियो बनाए, कैसे मोनेटाइज होता है, कब पैसे आते हैं, कितने उस पे पैसे आते हैं, आपने कितने पैसे आज तक कमाए हैं, ये वो। मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपने मिलेगा। वीडियो में अभी वीडियो पे आगे हो तो प्लीज वीडियो ने लाइक कर दो, यहीं से चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपने पता है आगे वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने मिलने वाला है। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम भी YouTube चैनल बना सकते हैं। बिल्कुल जी, कोई भी YouTube चैनल बना सकता है, जिसका मन करता है वो बना सकता है, ठीक है। किसी के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं बना सकते। जिसका भी जब मन करे वो YouTube चैनल बना के अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है और अपने पूरे सपने पूरे कर सकता है पैसे कमा के, ठीक है। ये इसको पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि कौन वीडियो मतलब कौन YouTube चैनल बना सकता, कोई भी इंसान, ठीक है। आप अगर अपने घर में कोई डॉगी पालते हैं, कोई बिल्ली पालते हैं, कोई चूहा, उसके नाम का चैनल भी बना सकते हैं अगर आपको उसकी वीडियो डालनी है। तो आप किसी का भी, जहां भी आपको कंटेंट दिख रहा है ना, उसका किसी की भी चीज का आप चैनल बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड डांस वीडियो, नाटक, हरियाणवी मोटिवेशनल वीडियो, लेक्चर वीडियो, मतलब जो भी आपने आपके अंदर है टैलेंट, आप उसके ऊपर चैनल बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल का नाम रख सकते हैं, जैसे आपका कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप चैनल का नाम रख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि मतलब किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए। टॉपिक ऐसे नहीं चूज करना, टॉपिक अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप कितना बोलने का हुनर है, आपको व्लॉग बनाना कितना पसंद है, आपको डांस आता है, आपको सिंगिंग आती है, आप मतलब आपके क्या पसंद है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि भाई कंटिन्यूटी चाहिए। ये नहीं है कि एक वीडियो डाल दी तो आप वायरल हो जाओगे, नहीं। लगातार हर रोज कंटेंट लेके आना, हर रोज वीडियो बनाना, ये इसमें बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप YouTube पे चैनल बना के सक्सेस हासिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कंटेंट मास्टर बनना पड़ेगा। आपको कंटेंट चाहिए, हर रोज चाहिए, ठीक है। हर रोज नहीं, बहुत है जो हफ्ते में एक दो बार डालते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं वो डेली भी डालते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जिसे जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बना के YouTube पे डाल सकते हो। आपको डेली डाल रहे हैं, आप कंटेंट क्या, जैसे ब्लॉगिंग है वो डेली करते हैं, ठीक है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, आप डेली बना सकते हो, आपकी मर्जी है, एक दो दिन छोड़ के जब आपको कंटेंट मिले तब बना सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस टॉपिक के अंदर, आपके अंदर क्वालिटी, आप अंदर कैपेबिलिटी किस टॉपिक को लेकर है, जिस पे आप बोल सकते हो, ठीक है, जिस पे आप बना सकते हो। आपको डांस अच्छा आता है, आप डांस की फील्ड में जा सकते हो। मतलब मल्टी यही टास्क होता है, मतलब जिस मल्टी टैलेंटेड बंदा है और जिसमें जितनी जिस भी चीज का हुनर है ना, ये वैसा प्लेटफॉर्म है, आप जिस भी चीज में माहिर हो ना, वो ही चीज की आप वीडियो बना सकते हो, वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, टॉपिक आप किसके ऊपर, आप सिलाई करते हो, आप सूट बेचते हो, आप जो भी आपका बिजनेस है, जिससे भी रिलेटेड आपके अंदर वो है कि आपको लगता है मैं इस पर कंटिन्यू कंटेंट लेके आ सकती हूँ, आप उस पर बना सकते हो, ठीक है। आपने वीडियो डाल दी, अब उसके बाद आते हैं चैनल मोनेटाइजेशन। चैनल मोनेटाइजेशन सबका सपना होता है कि भाई जब वीडियो बनाई है, चैनल बनाया, तो मोनेटाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन कब होएगा, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा एक दो दिन के अंदर ही, उसकी सारी जो होती है वो फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर देना, आप जो प्रोसेस होते हैं वो सारी कंप्लीट होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, ठीक है, 4000 घंटे का। और ये चेक कर सकते हैं आप, यूट्यूब स्टूडियो डाल के डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कितना आपका वॉच टाइम हो गया, कितना नहीं। अब वॉच टाइम बोलेंगे क्या होता है, वॉच टाइम होता है जो आपकी वीडियो को लोग देख रहे हैं, उससे जो आपको टाइम मिलता है कि इतने घंटे आपका चैनल देखा, आप इतने घंटे आपकी वीडियो देखी है, इतने घंटे देखी है, तो उससे आपका वॉच टाइम बढ़ता है। और जो वॉच टाइम बढ़ता है तो उसी को ही बोलते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो वो है, मतलब ये नहीं होता कि कंडीशन है ये, जब ये कंडीशन आप पूरी कर दोगे तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। जब ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, सारी वो पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही एक दो दिन के अंदर वो आपका चैनल मोनेटाइज कर देंगे, ठीक है। चैनल मोनेटाइज हो गया,
आपको मोनेटाइजेशन जब भी वीडियो अपलोड करोगे आपको मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ेगी, जिससे उस पर आगे सिंबल ग्रीन सिंबल आएगा डॉलर का, तो वहां से आपकी वीडियो पे पैसे आने स्टार्ट होंगे। और पैसे स्टार्ट होने के बाद, मतलब पहले का रूल था ये कि $100 होंगे तो आपको गूगल एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब ये हट गया है। आपके $10 या $15 जब भी हो जाते हैं ना आपके अकाउंट में, तो आप गूगल पिन जो एडसेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है ये देखो, ये होती है जो गूगल की तरफ से आती है, मतलब जो आप वहां पे अप्लाई करोगे, आप उसमें अपनी ईमेल आईडी डालोगे, मतलब मोनेटाइजेशन होने के बाद और आपके $10 या $15-$20 होने के बाद आप ये अप्लाई करोगे, इसमें नोटिफिकेशन भी आएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप वहां जाकर वो चीज अप्लाई करोगे और उसके बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जितना भी टाइम होगा, डाक के द्वारा, डाक में आती है ये, डाक में ही आई है मेरी भी, डाक में आपकी ये पिन आएगी। इसके अंदर एक कोड होता है जो सबका अपना प्राइवेट कोड होता है, वो आप अकाउंट में डाल लोगे, यूट्यूब अकाउंट में। उसके बाद जब भी आपके $100 कंप्लीट होंगे तो आपकी पहली पेमेंट आएगी। बिल्कुल क्लियरली मैंने बता दिया, आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगी। बिल्कुल मैं और रिवाइज कर देती हूँ, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है, जिसके डाउट थे वो यूट्यूब पे चैनल बना सकता है। और जैसे भाई चैनल जो कमेंट करते चैनल उनके सबके बने हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आते हैं तो अकाउंट अपने आप ईमेल डालते हैं तो अकाउंट बन जाता है। तो आप कोई भी वहां पे आके अकाउंट बना सकता है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वीडियो डाल सकता है। वीडियो डालने के बाद आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैंने सुना 500 सब्सक्राइबर का भी आ गया है, तो वो पूरे हो जाएंगे तो आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां से मोनेटाइजेशन ऑन होएगा, डॉलर आने स्टार्ट होंगे, वहां अगर आपके 15 या $10 आ जाएंगे तो नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएगी, वहां आप अपना गूगल एडसेंस अप्लाई कर सकते हो। ये आने के बाद ही, एडसेंस आने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये आने के बाद ही आप उसमें अपनी पिन डालोगे, इसके अंदर एक सीक्रेट पिन कोड होती है, वो किसी को दिखानी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, तो आप उसमें वो पिन डालोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके आएंगे। फिर आप अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट कनेक्ट करने के बाद जब जो YouTube की पेमेंट होती है वो 21-22 तारीख को होती है, संडे या किसी हॉलीडेज के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो जाती है, लेकिन 21 या 22 तारीख को ही YouTube की पेमेंट आती है, और फिर कटाकट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपके अंदर अगर भाई, मैं तो कहूंगी सारे मेहनत करो, अच्छे पैसे कमाओ, क्योंकि इसमें किसी का कुछ नहीं लगता भाई, मेहनत है, सबने अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, क्यों किसी के पीछे हम अपने बस खुद ऐसे लड़ना भी ना करा, मतलब खुद भी पैसे कमाओ, अच्छी मेहनत करके ना और अच्छा वो करके ना। अब जब मेरे को बोलते हैं ना कि तू भी तो मतलब व्यू के लिए करती है, पैसे के लिए करती भाई, कैपेबिलिटी अंदर टैलेंट है बोलने का, और अच्छा बोलती, सच बोलती, कोई झूठ नहीं बोलती, ना किसी को फेक को करती। अगर किसी को मैं इन्फ्लुएंस भी करती, मतलब बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करो, क्यों करती हूँ, ताकि अच्छा मैसेज जाए, अच्छी पॉजिटिव चीजें देने के लिए ही करती हूँ, कुछ नेगेटिव वो नहीं करती, अपने पीछे कीड़ा नहीं बनाती कि जो मैं ठीक कर रही हूँ वो ठीक है, जो मैं गलत कर रही हूँ वो गलत है, नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत बोलो, ठीक हूँ तो ठीक बोलो, ठीक है ना। ये नहीं है कि आंख बंद करके किसी के पीछे पागल हो जो कि यो तो सब कुछ यो है, जो यो कहोगी वो ही सच्चा, ऐसा नहीं है। मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, और झूठ मेरे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, और ना मैं कहती कि भाई आंख बंद करके मेरे पीछे लोगो दिन रात, मैं झाड़ू मार दिया, मैंने पोछा मार दिया, यो कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं हो, सिर्फ मैं नहीं दिखा दी, कुछ अच्छा मैसेज ही देऊं अपनी साइड से, मेरा यो ही रहा कि भाई कोई जो कोई ये सोचे भाई जो था जो लोगों का पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, वो भी मैं वो करूँ, तो जो मैंने बोला है तो भाई सब, जब कोई मैं तो सब नायक हूँ भाई, सब लेकर चालू, अगर ऐसा होता तो मैं नहीं बताती आज तक किसी भी ब्लॉगर ने बताई है कि हमारी पहली पेमेंट हुई किस तरह, हमारा चैनल मोनेटाइज, हम भी बनाओ, किसी ने बोला आज तक, मैं बोल रही हूँ सब बनाओ, जिसके अंदर टैलेंट है बनाओ, अच्छे पैसे कमाओ, अच्छी जिंदगी जियो, क्योंकि आज के टाइम में किसी भी सोशल मीडिया वाले की देख लो, इतनी अच्छी लाइफ है, इतने अच्छे पैसे कमा रहे, बहुत आगे तक जा रहे हैं, तो आप भी ऐसे मौके का फायदा उठा सकते हो, आज ही अपना चैनल बना सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, अच्छे से अच्छी वीडियो डालो, अच्छा कंटेंट लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात आती है, आप बोलोगे सारी वीडियो की दी तो मेरी पहली पेमेंट भाई अकाउंट में मेरी अभी तक नहीं आई है, लेकिन YouTube से मैसेज आ गया कि आपकी हमने वो पेड कर दिया, ठीक है, तो कुछ ज्यादा खास आई नहीं है, पहली पेमेंट मैं बोल रही हूँ $100 की पेमेंट आएगी, जब आपके $100 हो जाएंगे तो आपकी पहली पेमेंट आएगी, तो इससे आइडिया लगा सकते हो कितनी आई होगी, कुछ ज्यादा खास नहीं, 6-7 के अराउंड ही है।
है, तो एग्जैक्ट मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि वो इसके मतलब रूल के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं है इतनी ही बस, क्योंकि पहली पेमेंट आप अकाउंट बनाओगे अपने पता लग जाएगा भी कितनी आती है। मैंने बोला जब 100 आज हो जाएंगे तब ही आपकी पहली पेमेंट रिलीज करेंगे वो, अदरवाइज नहीं करेंगे चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो आप, वो गलती क्या है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपने वीडियो अच्छी लगेगी, प्लीज वीडियो ने लाइक भी करो, चैनल ने सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अब मैंने सोच लिया बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी। बाकी किसी का कोई कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमकाना नूकर या कुछ होया तो मैं ले आऊंगी, लेकिन बाकी अब किसी का कोई नाम चर्चा कुछ नहीं होगा। सिर्फ बेस्ट बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊंगी, हेल्प की वीडियो लेकर आऊंगी। अगर जिसने कुछ भी हेल्प चाहिए यूट्यूब से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से, मतलब किसी भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए वो मैं आपकी जरूर करूंगी और बेस्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। बाय बाय, जय माता दी।